हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 24/7। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारे 10 बेस्ट एमसीक्यू करंट अफेयर के विथ ट्रिक्स। तो आज का पहला सवाल है, सवाल देखने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे कल 35 रुपये क्यों पेटीएम किए थे। हाँ, आपने मुझे कल 35 रुपये पेटीएम किए थे। तो बस यही हमारी ट्रिक है, 35 रुपये मतलब धारा 35A। क्या हुआ है, अभी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे एक लिमिटेशन लगाई है जिसके तहत वो अपने बैंक में नए ग्राहकों को शामिल नहीं कर सकता। तो वो किस धारा के तहत लगाई है, तो वो धारा है 35A। तो हमें याद रखना है धारा 35A के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे आरबीआई ने भी क्या लगाई है, लिमिटेशन लगाई है। ओके, देखते हैं अगला सवाल। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक चारधाम परियोजना के लिए एक समिति स्थापन की है जिसके अध्यक्ष रूप में उसने किसे चुना है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा चारधाम परियोजना पर अभी जो व्यक्ति को नियुक्त किया गया है वो है AK सिकरी। तो हमें इसे कैसे याद रखना है, चारधाम परियोजना पे जाने वाले जो हमारे न्यायमूर्ति है पूर्व, वो है AK सिकरी। AK सिकरी कहाँ गए, अभी चारधाम परियोजना पर गए हैं। AK सिकरी चारधाम परियोजना पर गए हैं। अगला सवाल है, 2022 में IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 2022 में IRDAI के नए अध्यक्ष रूप में देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया। अब IRDAI के अध्यक्ष कौन है, पांडा। इस बार IRDAI के अध्यक्ष कौन बने हैं, पांडा, IRDAI पांडा। अगला सवाल, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा अभी कितने हवाई अड्डों को उनके आकार और क्षेत्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों के रूप में सम्मानित किया गया है। तो वह है 6 एयरपोर्ट्स। ऐसे 6 एयरपोर्ट्स है जिन्हें आकार और क्षेत्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, अभी अभी पहले बार क्या हुआ है, पहली ड्रोन स्कूल का उद्घाटन हुआ है, तो वो किस शहर में हुआ है। तो पहली ड्रोन स्कूल का जो उद्घाटन हुआ है वो ग्वालियर शहर में हुआ है। तो आपको पता है ग्वालियर को हमें ऐसा याद रखना है कि अब ग्वालियर पे क्या हुआ है, अभी ड्रोन गिरा है, ड्रोन से हमला हुआ है। तो पहली ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ग्वालियर में किया गया है। पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन अभी ग्वालियर में किया गया है। अगला सवाल, किस राज्य ने श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है। तो यह की गई है त्रिपुरा राज्य ने अपने चा श्रमिकों के लिए एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री चा श्रमिक प्रकल्प कल्याण योजना। तो त्रिपुरा की चा कैसी होती है, मस्त होती है। तो हमें याद रखना है चा कहाँ से है, त्रिपुरा की चा क्या है, मस्त है। अगला सवाल, स्वीडन के विश्वविद्यालय में वीडियम संस्थान द्वारा जारी लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है। तो हमें याद रखना है यहाँ पे लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भारत का रैंक है 93 क्रमांक का। लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स भारत 93, भारत कितने पे आउट हो गया था यहाँ पर डेमोक्रेटिक में, 93 पे आउट हो चुका था। अगला सवाल, हम सुबह सुबह उठ कर क्या करते हैं दोस्तों, कोलगेट करते हैं। तो कोलगेट हम कब करते हैं, सुबह। तो सुबह को हम प्रभात भी कहते हैं। ओके, तो हमें याद रखना है यहाँ पे प्रभात नरसिम्हानी की कोलगेट पामोलिव लिमिटेड के CEO और MD के रूप में क्या की गई है, नियुक्ति की गई है। कोलगेट का हम करते हैं, हम प्रभात में करते हैं, प्रभात में हम कोलगेट करते हैं मतलब ब्रश करते हैं। तो कोलगेट पामोलिव इंडिया के CEO और MD के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, प्रभा नरसिम्हानी की। अगला सवाल है, एक अभी किताब जीवनी लिखी गई है जिसका नाम है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, इसके लेखक कौन है। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, इसके लेखक है अभिनव चंद्रचूड़। तो सोली सोराबजी की जीवनी लिखने के लिए उसने क्या किया, खुद को निचोड़ लिया। इसलिए हमें इसे ऐसा याद रखना है, सोली सोराबजी की लाइफ एंड टाइम्स लिखने के लिए अभिनव चंद्रचूड़ ने खुद को निचोड़ लिया। अगला सवाल, रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज़ डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज़ डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है भूपेंद्र यादव ने। दोस्तों आपको ये किताब किसने लिखी है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आज के लिए यहीं रुकते हैं, मिलते हैं कल 10 बेस्ट MCQs के साथ में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।